जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई जो दान की सामग्री है वह एकादशी अर्थात शनिवार के दिन आपको करनी है 33 कमलगट्टे का दान। आप सभी जानते होंगे एकादशी व्रत के दिन कमलगट्टे के कई उपाय प्रचलित है, धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का यह कार्य करता है। 33 कमलगट्टे आपको लेने हैं और किसी भी मंदिर में दान कर कर आइए, धन संबंधी कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में आप सभी को पवित्र उपाय चार जानने समझने को मिलेंगे, जिसमें से कोई एक सरल सा उपाय भी कर लेते हैं ना, निश्चित ही आपका भाग्य चमकेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एकादशी और शनिवार के दिव्य उपाय जानेंगे। आरंभ करते हैं सबसे पहला उपाय। आप सभी को आवश्यक रूप से काली तिल और लौंग का करना है। शनिवार है तो इस उपाय को कैसे भूला जा सकता है। यह उपाय आपके परिवार में सभी कष्ट मिटा देगा, दुख दरिद्रता का भी नाश कर देगा। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए मात्र 7 लौंग की आवश्यकता है और साथ ही आपको आवश्यकता पड़ेगी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जितनी आप काली मिर्ची लेना चाहते हैं उतनी ले लीजिए और थोड़ा सा अपने हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए काले तिल। इन्हें लेकर पूरे घर में घूम जाना है, मनोकामना बोलनी है। अब आप सभी को सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय मिले आप सभी को इन विशेष तिथि में, एकादशी की विशेष तिथि में और शनिवार पर शिवलिंग के ऊपर यह चीज़ समर्पित कर देनी है। इससे आपके वैवाहिक योग बनेंगे, रोग कर्ज से मुक्ति मिलेगी, दुर्घटना इत्यादि से भी छुटकारा होता है। शनिवार का दिन अपने आप में विशेष माना जाता है, तो सरल सा कार्य आपको जरूर से करना है। साथ ही बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी काली मिर्च और लौंग का ही है। आप सभी को यह उपाय आपके जीवन में सर से लेकर पैर तक कोई भी दर्द चल रहा है ना, तो उसके लिए कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप सभी को एक कटोरी में सरसों का तेल भरने के बाद आपको उसमें डालना है 5 कमलगट्टे, 5 काली मिर्च और 5 काली तिल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और तुमरुका जी का नाम लेते हुए आप सभी को इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सुनसान समय पर जाइएगा ताकि जो है आप सही फलों के हकदार रहेंगे, क्योंकि सुबह से लेकर आजकल तो बहुत अधिक मंदिर में भीड़ रहती है, तो आपसे तमाम तरह के प्रश्न पूछेंगे, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिस कारण से आपका उपाय कहीं ना कहीं अवरोधन के लिए रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप सभी यह जो है, जो आपने सामग्री मिश्रित कर रखी है, यह सरसों के तेल से भरी हुई पूरी सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद जो सरसों का तेल बहता हुआ अंतिम छोर में आपको प्राप्त होगा ना, उसे आपको कटोरी के माध्यम से भर लेना है। भर कर घर ले आइए, घर पर लाकर जिस भी स्थान में आपके तकलीफ है ना, जैसे घुटने दुखते हैं, बालों में डैंड्रफ है, या कोई रोग है, स्किन में झाई, या कोई भी परेशानी है, उस स्थान पर तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको बढ़िया प्रेम भाव से चुपड़ लेना है। तत्काल ही आपके रोग कटेंगे। एक बार शनिवार के दिन इसको कर लेंगे तो बहुत दिनों तक यह अभिमंत्रित तेल आपके चलता रहेगा। महादेव पर कोई भी चीज़ अगर समर्पित होती है, स्पर्श होती है, तो वह विशेष हो जाती है, दुर्लभ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को सरल सा कार्य इस विशेष तिथि पर करना ही है। अब जान लेते हैं अगला उपाय। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उचित रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी संबंध इससे पूछना रहता हो, कहने का मतलब है कि कुछ भी जो चैनल से रिलेटेड या जो है आप सभी को वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी समझ में ना आए ना, तो आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं, कमेंट्स के द्वारा पूछे, तत्काल सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब आरंभ करते हैं दूसरा उपाय। अब हम सभी जानते हैं कि इस दिन तुलसी का उपाय सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे पहले मैंने तुलसी की लकड़ी का उपाय और दूध का उपाय आप सभी तक पहुंचाया है, कृपया उस उपाय को भी देखिए, बहुत सरल उपाय वह है। अब अन्य उपाय जो है तुलसी के, गुरुजी के और भी हैं जो एकादशी तिथि के दिन किए जाते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूँ कि तुलसी कभी भी इस दिन तोड़ी नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी नहीं तोड़ना है किसी भी स्थिति में। तुलसी पर झड़े हुए पत्ते या पहले से समर्पित पत्ते जो है आप सभी को काम में लेने हैं। मात्र 11 की संख्या में आपको तुलसी के पत्र लेने हैं और किसी भी पात्र में आपको किसी भी जल के कलश में इन्हें रख देना है। आप सभी को यह जल का कलश श्री हरि विष्णु के मंदिर में, किसी भी स्वरूप के मंदिर में लेकर चले जाना है। वहां पर आप सभी को श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, अपनी नौकरी, वैवाहिक बाधा दूर करने के लिए, रोग कर्ज या जो भी मनवांछित कामना है उन सभी के लिए यह उपाय करने जा रहा हूं या जा रही हूं, ऐसा कहते हुए आप सभी को
रख देना है थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर, जो भी आप पाठ करते हैं या जो भी प्रार्थना है वह कर लीजिए। उसके बाद उस तुलसी दल, जो तुलसी की पत्ती मिश्रित जल है, किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, चाहे तो पीपल में समर्पित करें या बेलपत्र में समर्पित करें या किसी भी वृक्ष के नीचे, आपको मनौती कहते हुए समर्पित कर देना है। तत्काल आपके कार्य बनेंगे, रोग कर्ज से मुक्ति होगी, दुख दरिद्रता का नाश हो ही जाएगा। सरल सरल से उपाय है, मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। आवश्यक रूप से आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का, क्योंकि शनिवार है और एक दीपक आपको आवश्यक रूप से घी का दीपक श्री हरि विष्णु के नाम का लगाना है, और साथ ही एक शनिदेव के नाम का जरूर से लगाना है। आवश्यक रूप से इससे भी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि कई उपाय प्रचलित हैं, मैंने अपने दोनों चैनलों पर इसमें इससे पहले 3 वीडियो दी हैं, उनमें अलग अलग तरह के उपाय जो कि आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए हैं वह देखिए, निश्चित ही आपके भाग्योदय होगा। वह सभी उपाय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा से लिए गए हैं, उनको समझकर जानकर जो सरल होते हैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।